घूम जाओ। ये सैनिक एकता का आह्वान है जो हमने आज दिखा दिया है। इस मुहिम को हम ठंडा नहीं होने देंगे। घर चला दिया हमने, रात खाली बाकी है। हम इस अपनी इस मुहिम को बनाई सतर्कता। जहाँ जहाँ मैंने मीटिंग की है उन सभी संगठनों का हमारा तो आज मेरा हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आवाज नहीं आई, लाखों की संख्या में फौजी बैठे हुए हैं। फौजियों के मुंह से जयनी की आवाज नहीं आई, कुछ है जय हिंद। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र मेलवन राष्ट्रीय सैनिक संयुक्त मोर्चा के संस्थापक और दिल्ली में जय सैनिक एकता का अभियान चलाया और आज रिवाड़ी रैली में सैनिक एकता मिशन के लिए हमें सफलता मिलती नजर आ रही है। हम साफ बिल्कुल क्लियर देख रहे हैं जिस सैनिक एकता की हमें इच्छा थी आज वो साफ नजर आ रही है। अब सैनिक एकता कामयाब हो गई हमारी। इसी के नाम से 2013 में राजनीतिक बैंक रैली हुई थी और उसी रैली से वन रैंक वन पेंशन की घोषणा हुई थी जो 10 साल होने के बाद ही पूरे नहीं हुए हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। आज इसी ग्राउंड से प्रधानमंत्री मोदी जी को ये चेताया जा रहा है अब सैनिकों को हल्के में ना ले। सैनिकों की जो मांग है वन रैंक वन पेंशन की वो तुरंत वो फौरन लागू करें। हमने इस आज की 17 सितंबर की रैली के लिए हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में जाकर मीटिंग की है। उसी के लिए एक राजस्थान का जयपुर में हमने मीटिंग की थी। जयपुर से हमारे घूम जाओ चलो 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 अरे घूम जाओ। सैनिकों में बुरी हुक्का हम सैनिक अपना हक मानते हैं। फोटो हक मानते नहीं किसी से भीख मांगते। सैनिकों का अपमान सैनिकों का अपमान भारत माता की चीन के सैनिकों का हार्दिक स्वागत है। वो कह रहे अपने इस पर साहब ओ शमशेर हरेक सब्जेक्ट को आपको कवर करेंगे। साथियों सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा आज देश के कोने कोने से आए हुए हरियाणा पंजाब राजस्थान यूपी हिमाचल उत्तराखंड यूपी जो जो हमारे सैनिक संगठन यहाँ पर आए हैं और जो इकलौते आदमी भी आए हैं मैं इस वीर भूमि पर सबका स्वागत करता हूँ वंदन करता हूँ। इस जगह का क्यों चुनाव किया गया? ये वो वीर भूमि है जिसने 1857 की क्रांति में राव तुलाराम के नीचे अलग जगाई थी और यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे और सबसे पहले आजादी का बिगुल इसी भूमि वीर भूमि वीर भूमि से शुरू हुआ था। ये भूमि अन्याय के खिलाफ खड़ा होने के लिए हमेशा नंबर 1 पर रहती है। नंबर 2 मैं कहना चाहूंगा इस भूमि का
का महत्व क्या है आपको पता होगा। देश में सबसे पहले 1962 की लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें देश जो 1962 की लड़ाई के अंदर में हमारे सतीश कुमार की चार्ली कंपनी जो रिजाइनर के अंदर डिप्लॉय थी, आपको मालूम है एक कंपनी के अंदर एक चार्ली कंपनी थी जिसके अंदर 120 आदमी थे, उसमें से 114 आदमी हमारी इस भूमि के थे और जो शहीद हो गए थे लेकिन पीछे हटने से मना कर दिया था, तो एक बार उनके लिए ताली बनती है। इस मैं आपको यह कहना चाहूंगा इस धरती को, इनकी माताओं को, बहनों को हम नमन करते हैं जो ऐसे वीर पैदा किए और हमारे देश के लिए वीर किए। साथियों मेरा विषय विधवा पेंशन के ऊपर दिया गया है, मैं पेंशन के बारे में आपको कहना चाहूंगा। ये पेंशन 1964 में एक सिपाही वीर नारी सभी की पेंशन 25 रुपए होती थी, जिसको ध्यान से सुनने की आपको जरूरत है। 25 रुपए सिपाही की, 25 रुपए विधवा की, वीर नारी की तरह पेंशन होती थी। 1970 के अंदर उसको 40 रुपए कर दिया गया और 1971 की लड़ाई लड़ने के बाद में इसको बढ़ा के 60 रुपए किया। कविता यादव
कविता यादव रखने परचम ऊंचा खेल जाते हैं जान पर, रखने परचम ऊंचा खेल जाते हैं जान पर, आने नहीं देते आज वतन की आन पर, आने नहीं देते आज वतन की आन पर, करते हैं अपनी नींदे कुर्बान हमारी खातिर, करते हैं अपनी नींदे कुर्बान हमारी खातिर, हिंद को फक्र है अपने हिंदी जवान पर, हिंद को फक्र है अपने हिंदी जवान पर। आदरणीय परम चक्र विजेता कैप्टन योगेंद्र यादव जी, मंच पर आसीन सभी सम्मानित विद्वानगण, वे सभी महापुरुष तथा देश के कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से आए इस मातृभूमि के वीरों को, देशभक्तों को, माताओं को, बहनों को, रेवाड़ी की इस पावन भूमि पर अहीरवाल की इस बेटी का आप सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि आप सभी को पता है, आज आप जिस उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुए हैं, वन रैंक वन पेंशन योजना, जिसकी वजह से वन रैंक वन पेंशन योजना में जो भी विसंगतियां रह गई हैं, आज इस रैली के माध्यम से आप सभी की आवाज, हम सभी की आवाज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि मैं भी एक सैनिक की बेटी हूँ। ये वही पावन मंच है जहाँ से 15 सितंबर 2013 को आदरणीय मोदी जी ने विशाल रैली में 40 साल पुरानी सैनिकों की मांग को पूरा करने का वादा किया था, पर उस वादे को वो पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाए, इसलिए मेरी इस मंच के माध्यम से उनके सामने गुजारिश है कि सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन योजना में जो भी विसंगतियां रही हैं, उन्हें इस मंच प्रभाव से दूर किया जाए और से सम्मान उन्हें उनकी सम्मान राशि दी जाए।